हालांकि अभी अगर कोई खरीदने जाता है तो उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसका सर्विसिंग कैसा है, मतलब पार्ट्स अवेलेबिलिटी ये सब सब कुछ ठीक है क्या कोलकाता में? हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आप तो इस बाइक को तो पहचानते ही है, ये है रिवोल्ट। तो रिवोल्ट के पास आज हम खड़े हैं और इस बाइक की हम रिव्यू लेंगे एक ओनर से। तो रिवोल्ट बाइक तो बहुत दिनों से बहुत सारी सिटीज में अवेलेबल है इंडिया की, लेकिन कोलकाता में बहुत ही नया आया है। तो कोलकाता में जो रहते हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगा इस वीडियो से, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कोलकाता में सिनेरियो कैसा है, कितनी देर कितना टाइम लगता है बुकिंग के बाद इसको मिलने में, और प्राइस, सब्सिडी, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो सर आपका नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम नितिन रॉय है। तो आप कब से ये बाइक यूज़ कर रहे हैं? ये बाइक यूज़ करते हुए मेरे को 3 महीना हो चुका है। ओके, तो ये कब बुकिंग किए थे आप और कितने दिनों के बाद मिला है बुकिंग करने का? मैं बुकिंग किए थे और मिलते मिलते अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीना लग गया। मार्च में बुकिंग किए थे? हाँ, अच्छा। मार्च की स्टार्टिंग में। ओके, तो हाँ, तो अभी इसका प्राइस क्या पड़ा आपको? मेरे को इसका पड़ा 148,000। हालांकि अभी अगर कोई ख़रीदने जाता है तो उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा। 148,000। क्यों महंगा पड़ेगा? अभी नए प्राइस के हिसाब से ज़्यादा, मतलब प्राइस बढ़ा दिया है। तो अभी कितना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू? मेरे को एग्जैक्टली मालूम तो नहीं है, लेकिन सुना है 155 ऐसा कुछ शायद पड़ रहा होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आपको स्टेट सब्सिडी कुछ मिला है क्या? नहीं, स्टेट सब्सिडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रहा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से तो मिल ही जाएगा, फेम टू तो मिला ही है। तो अभी ऐसा सुनने को मिला है कि, मतलब न्यूज़ में भी देखे हैं कि रजिस्ट्रेशन और इसका जो रोड टैक्स है वो माफ़ करते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। सो आपको इसका सुविधा मिला क्या? नहीं, जब मैंने ख़रीदा था तब ये नहीं स्टार्ट हुआ था। हालांकि जब ये स्टार्ट हुआ भी तब उसका प्राइस बढ़ चुका था, तो मेरे को एक तरीके से प्राइस कम में ही मिला है दूसरे लोगों से। बहुत सारा पेट्रोल बाइक्स तो अवेलेबल है कोलकाता में या फिर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पेट्रोल बाइक्स तो बहुत ज़्यादा है ही, तो अभी उसको छोड़ के आप क्यों एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के पास आए? मेरे को थोड़ा मॉडर्नाइजेशन पसंद है, सो आई प्रेफर द मॉडर्न व्हीकल। इलेक्ट्रिक बाइक इज़ द फ्यूचर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका स्टार्ट ही कर लेता हूँ। तो मेरे को तो पहले रॉयल एनफील्ड खरीदना था, लेकिन फिर सोचा चलो नहीं, मॉडर्नाइजेशन थोड़ा तो पसंद भी है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज बेटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोले तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मतलब वो स्कूटर है बेसिकली, मैं ओला की बात कर रहा हूँ। तो बहुत फेमस भी है ओला, हाँ, और मैं भी एक ओला ओनर हूँ, हमारे व्यूअर्स को पता भी है। तो आप ओला को छोड़ के ये क्यों? मेरे को प्रैक्टिकली एक बाइक चाहिए था। फर्स्टली मुझे स्कूटी चलाना उतना पसंद है भी नहीं, मुझे बाइक चाहिए था। और ओला का प्रॉब्लम यह है कि ओला में बीच में एक बम्प है जो मुझे बहुत ही इनप्रैक्टिकल लगता है, तो उसके वजह से मैंने ये प्रेफर किया। अच्छा, सही है। तो अभी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका सर्विसिंग कैसा है, मतलब पार्ट्स अवेलेबिलिटी ये सब सब कुछ ठीक है क्या कोलकाता में? पार्ट्स अवेलेबिलिटी तो आज तक मेरे को पता चला नहीं, क्योंकि मेरे इसमें कोई आज तक कोई डिफेक्ट आया नहीं है। जो डिफेक्ट आज तक आया है वो इसका हॉर्न को लेके है। इसका हॉर्न कभी कभार दो तीन दिन में ख़राब हो जाता है। हालांकि हॉर्न का जो स्पीकर है वो ख़राब नहीं होता है, ख़राब जो होता है वो है इसका वायर टूट जाता है वहाँ से। क्यों टूटता है, कैसे टूटता है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, वो फिर से खोल के लगा देने से हो जाएगा। खुद से लगाना से ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा वहाँ पर जाके लगा लो, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ इधर उधर हो गया तो वारंटी वॉइड हो जाएगा इसका। और इसमें 6 साल की वारंटी है, 6 साल की बैटरी में और 5 साल की पूरी फुल वारंटी है। अच्छा, हालांकि प्लास्टिक बॉडी में कोई वारंटी नहीं है। प्लास्टिक बॉडी, हालांकि उसमें समझ में नहीं आएगा, वो बताते भी नहीं है सही से, लेकिन प्लास्टिक बॉडी में कोई वारंटी नहीं है। वो आप अगर प्लास्टिक बॉडी में कुछ होता है तो वो आपका इंश्योरेंस में क्लेम होगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका जो एक ये है, ये आपने लगवाया? मेरे को ये आयरन मैन थोड़ा पसंद है, तो मैंने आयरन मैन का फेस लगाया। ये बेसिकली कार के लिए होता है, तो बेसिकली काफ़ी कार्स के अलग अलग साइज़ का मिलता है। तो BMW का जो होता है वो इसमें एकदम फिट बैठता है, तो BMW वाला खरीदा। ये मेटल वाला है, आपको प्लास्टिक वाला भी मिल जाएगा सस्ते में, लेकिन आई प्रेफर द मेटल वन। और फिर थोड़ा मोबाइल होल्डर तो आज के लिए ज़रूरत ही होता है, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ इधर उधर, तो हमेशा पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, तो एक मोबाइल होल्डर लगा लिया। और मैंने लैमिनेशन कर लिया, क्योंकि प्लास्टिक बाइक है, नया बाइक भी है, तो स्क्रैच फ्रैच ना गिर जाए, तो मैंने लैमिनेशन करवा लिया, फुल बॉडी लैमिनेशन करवाया मैंने। लैमिनेशन कराने का अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के आसपास लिया था। वो शोरूम से ही करके दिया क्या या बाहर से किया? नहीं, शोरूम में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बाहर से मैं वेलिंगटन गया था, बाइक मार्केट है,
कोलकाता का बहुत बड़ा बाइक मार्केट है, तो वहाँ पे गया था, वहाँ से ये लेमिनेशन करवा के लाया हूँ। लेमिनेशन हालांकि ठीक ठाक ही किया है उन लोगों ने, थोड़ा बहुत इधर उधर छोड़ दिया, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। जैसे मेरा बाइक कुछ दिन पहले गिर गया था, लेकिन लेमिनेशन की वजह से उसके मेन बॉडी को कुछ डैमेज हुआ नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक्स में मतलब हालांकि इसमें नहीं लगा है आग, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो आग लगता है, सो दैट इज़ अ फैक्ट। सो ये आपको बॉदर नहीं करता क्या? वेल बॉदर तो करता है, लेकिन ये 3 साल से मार्केट में है, तो अभी इसके ऊपर क्या एक भरोसा आ गया है। अब इतना भरोसा है कि नहीं भाई इसमें आग नहीं लगेगा कम से कम, क्योंकि ये दिल्ली में चल गया, राजस्थान में चल गया, तो कलकत्ता में चली जाएगा। अच्छा अच्छा, दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत बदनाम भी है ये गाड़ी पार्ट्स के मामले में, पार्ट्स नहीं आता, चाइनीज पार्ट्स है, ये बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है, या फिर नेट में भी गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको देखने में, तो ये आपको बॉदर नहीं करता क्या? मतलब कभी तो आपको पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा ही। वेल ये लोग, मैंने देखा कि ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे। ये अभी ये जो पार्ट्स मिले हैं नए वाले, मेड इन इंडिया है। अब वो और उन्होंने भी बोला कि वो ट्राई कर रहे हैं कि पूरा बाइक ही मेड इन इंडिया बन जाए। हालांकि बैटरी अभी तो मेड इन चाइना है, बट वो लोग कह रहे हैं कि अभी 90% पार्ट वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हालांकि ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि मेड इन इंडिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, करेक्ट। सो अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि कितना किलोमीटर आप चला चुके हैं? मैं ऐसे 2718 किलोमीटर चला चुका हूँ, और अभी तक तो कंटिन्यू है, कोई प्रॉब्लम आया नहीं है इसमें। जब 1000 किलोमीटर्स हो गया था मेरा, वो मुश्किल से एक हफ्ते में ही हो गया था, तो उसके बाद मैं सर्विसिंग के लिए लेके गया था इसको, तो सर्विसिंग में तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह क्लीन करके दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को। फिर मैं वापस आया तो बीच में एक बार हॉर्न ख़राब हो गया था, मेरे को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि क्या हुआ हॉर्न को, मेरे को लगा खराब ही हो गया, तो मैं उस सर्विस सेंटर गया, मेरे को लगा बाइक फेंक के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो सुना ही है कि उसके पार्ट्स तो मिलते नहीं है, तो फेंक के रखना ही पड़ता है, तो मेरे को लगा बाइक फेंक के रखना पड़ेगा क्या करें। तो वहाँ पे गया तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने मतलब ऐसी वायरिंग ठीक ठाक करके दे दिया फटक से, कोई मतलब इतना रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं, झमेला कुछ नहीं, डायरेक्ट करके मुझे तो 10 मिनट के अंदर काम करके दे दिया। सो कलकत्ता का सर्विसिंग एटलीस्ट बहुत सही है, बाकी को तो पता नहीं, लेकिन कलकत्ता का बहुत सही है। बहुत सही है, अच्छा, तो सुन के अच्छा लगा। तो कोलकाता में अगर कोई रहता है तो ये बाइक आप खरीद सकते हैं, क्योंकि सर्विसिंग अच्छा ही है, जैसे कि हमें नितिन जी से पता चला। तो यस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एक ही बार सर्विसिंग किए हैं, राइट है आप? हाँ, अभी तो एक ही बार सर्विसिंग किए, नेक्स्ट सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर्स पर है, अभी 10,000 किलोमीटर में तो टाइम है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका रेंज कितना मिला आपको फुल एक चार्ज में? वेल जब आप फर्स्ट मोड में चला रहे हो, अब अगर देख सकते हैं कि इसमें तो अभी 135 दिखा रहा है फॉर 97%, लेकिन जब ये 100% पर रहते हैं तब ये 140 दिखाता है। अब 140 तो मेरे को आज तक अभी मिला नहीं, हाँ, लेकिन मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास, 110-120 के आसपास मिल जाता है अगर सही से चलाया जाए फर्स्ट मोड पर। सेकेंड मोड में चलाओगे तो आपको 180 से 100 में मिल जाएगा, और थर्ड मोड में आपको 60 से 80 मिल ही जाएगा। लेकिन बस ये है कि आपको डिपेंड कर रहा है आप कहाँ चला रहे हो, ऐसे अली गली में चलाने से थोड़ा रेंज कम मिलता है, अली गली में चलाने से फर्स्ट गियर में 100 से ऊपर नहीं मिलेगा, जैसे जानते ही है रास्ते तो हालत ख़राब ही है, तो उस हिसाब से 100 मिल ही जाता है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि सही है, क्योंकि मैं कलकत्ता जाके वापस आ सकता हूँ, उसके बावजूद इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% तो बची जाएगा, 50% ना बचे तो 40% बच जाएगा अगर मैं फर्स्ट गियर में चला के जाऊँ, सॉरी फर्स्ट मोड में अगर चला के जाऊँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि सर ने बोला है कि कोलकाता जाके आ सकते हैं, तो ये जगह जो है ये कोलकाता से थोड़ा सा दूरी है, कोलकाता यहाँ से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स है, 38-40 किलोमीटर्स ऐसा कुछ है। तो मतलब कि ये गाड़ी जो हम रिव्यू कर रहे हैं ये कोलकाता से बाहर ही है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये गाड़ी रिकमेंड करेंगे? वेल अगर आप मतलब कलकत्ता के 50 किलोमीटर्स के अंदर रेंज में रहते हैं तो आई विल से गो फॉर इट, लेकिन अगर उससे ज़्यादा दूर रहते हैं तो मैं बोलूँगा एट प्रेजेंट मत जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, ताकि थोड़ा मतलब उस साइड में भी आ जाए, आपके साइड में अगर सर्विस सेंटर्स आ जाए कम से कम, तो फिर वो खरीदने ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप इससे आप मान के चलिए कि आप 100 किलोमीटर का रेंज निकाल लेंगे, सर्विस सेंटर के पास अगर आप पहुंच गए तो वहाँ पे आपको चार्ज करने का मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्जर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपसे एक सवाल नहीं पूछेंगे, आप जाएंगे उनको बोलिएगा कि चार्ज कर दीजिए थोड़ा, वो चार्ज कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay. लेकिन वेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका तो एक खासियत है कि स्वैपेबल बैटरी, हाँ, तो इसका सुविधा अभी कोलकाता में अवेलेबल है क्या? नहीं, स्वैपेबल बैटरी अभी तक कोलकाता में अवेलेबल नहीं है, हालांकि वो बोल रहे हैं कि दो महीने मैं जब से लिया हूँ तब से बोल रहे हैं कि 2 महीने में आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है।
तो लेट्स सी कब आता है। तो मतलब कि आप सेटिस्फाइड है इस बाइक को लेकर? फॉर नाउ तो आई एम सेटिस्फाइड। ओके, तो बारिश में चला है क्या ये बाइक? मतलब कोलकाता में तो इस साल बहुत बारिश हुआ है। हाँ, बारिश में तो मैं नॉनस्टॉप चलाता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब मेरे को कहीं भी जाना होता मैं ट्राई करता हूँ कि इसी को लेके जाऊँ। मैं पेट्रोल है मेरे पास और एक, लेकिन मैं पेट्रोल ज़्यादा निकालता ही नहीं हूँ। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं इसी बाइक को लेके जाऊँ। इलेक्ट्रिक भी है, पोल्यूशन भी नहीं कर रहा, पोल्यूशन न्यूट्रल थोड़ा बना रहा है तो ठीक है, वो बेटर है। इसके ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं वैसे तो। ब्रेक्स डुअल डिस्क ब्रेक्स है, राइट? हाँ, डुअल डिस्क ब्रेक्स है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है। ABS होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मेरे को पता नहीं कि ABS उतना पसंद भी नहीं है। अच्छा। मैं वो बार बार क्लिक करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वैसे तो ये सही है, मेरे को बहुत पसंद है इसके ब्रेक्स, क्योंकि इसके ब्रेक्स बहुत सही पकड़ते हैं। मतलब ऐसे स्प्लेंडर चलाया, लेकिन अब मतलब 120 के आसपास तो आजकल स्प्लेंडर ही मिलता है, सुपर स्प्लेंडर मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये बाइक उस हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, सही है। तो इसका मोड्स क्या क्या है और आप ज़्यादातर कौन से मोड्स पे चलाते हैं? इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोड है, और इसमें एक टी मोड भी है, लेकिन आज तक मेरे को समझ में नहीं आया टी मोड किस बात का है। मेरे को पहले लगा था टी इज मतलब टी मोड शायद टर्बो के लिए होगा, शायद थोड़े समय के लिए एक्सेलरेशन देता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टी मोड जाने पर आप वहाँ पर देख सकेंगे स्क्रीन पर कि वो टू में जा रहा है। जैसे मैं यहाँ टी क्लिक कर रहा हूँ, वो टू में चला जा रहा है। हालांकि जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, मतलब राइड कर रहे होंगे बाइक को, तब टी मोड में जाने से आपका स्पीड लो नहीं जाएगा, स्पीड नहीं डाउन जाएगा, लेकिन वो टी मोड में वो टू दिखाता है वहाँ पे। मैं नॉर्मली फर्स्ट मोड में ही चलाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एरिया ऐसे भी कम है। अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, जैसे कलकत्ता कर गया, तो मैं फर्स्ट सेकेंड मिक्स करके चलाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे रेंज भी चाहिए होता है। और अगर मैं थोड़ा पास में जैसे सोतपुर एरिया में गया, तो फिर अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड नॉर्मल चला ही लेता हूँ, सेकेंड थर्ड। तो इसका टॉप स्पीड कितना अचीव किया है आप? मेरे को ये आज तक 81 तक मिला है। 81 किलोमीटर पर आवर तक मिला है, लेकिन मैं एवरेज अगर देखूँ तो मैं 40-41 में चलाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट मोड में ये 42-43-45 तक मैंने देखा है। 45 क्लेम करता है, 45 दे देता है, काफ़ी बड़ी बात है। तो इसका तो एक मोबाइल ऐप भी है, राइट? तो वो भी आप यूज़ करते हैं क्या? मतलब इसका तो साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा? हाँ, कुछ वो मोबाइल ऐप तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ। मोबाइल ऐप हालांकि कुछ दिनों से सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन नॉर्मली काम करता है। ये 65% दिखा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 97% है। तो ये हो ही नहीं रहा है सही से, ये जा नहीं रहा है, लास्ट 3 दिन से काम नहीं कर रहा है। तो ये इसका VI का नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसमें VI का सिम डला हुआ है। और इसमें ऐप में थोड़े बग्स हैं, आईफोन में थोड़े बग्स ज़्यादा मिलते हैं, एंड्रॉयड में मैंने इतना बग्स नहीं देखा है इसमें, लेकिन आईफोन में थोड़े ज़्यादा बग्स हैं इस वाले में। ओके, तो आप साउंड लगा के चलाते हैं क्या इसको? साउंड मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ, हालांकि बाज़ार अगर गया तो मैं साउंड यूज़ करता हूँ, वरना किसी को सुनाई नहीं देगा। साउंड तो फिलहाल मैं एक ही रखा हूँ। तो साउंड तो मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता हूँ, पहला बात तो मैं बेकार में इलेक्ट्रिसिटी क्यों खर्चा करूँ, और दूसरा कि मेरे को ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता नहीं है, क्योंकि अगर साउंड पोल्यूशन भी कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब डजंट मेक सेंस, मतलब एक इलेक्ट्रिक बाइक जो कि साउंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन एंड पोल्यूशन को कम करने के लिए बना है, तो उस पर साउंड डजंट मेक सेंस। वेल, साउंड कभी कभार चाहिए भी होता है, बाजार में तो साउंड चाहिए होता है, क्योंकि हॉर्न देने से कोई ध्यान ही नहीं देता। तो काफ़ी जगह पे साउंड चाहिए होता है, तो वो ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, वो आप बंद कर सकते हो, तो शायद ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है कि हम बंद तो कर सकते हैं, कम से कम नहीं चाहिए तो बंद कर देंगे, चाहिए होगा तो चला लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंटरव्यू। तो आज विजयादशमी है कोलकाता में, एंड दशहरा है पूरी बाकी पार्ट ऑफ कंट्री के लिए। तो हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयादशमी टू ऑल आवर व्यूअर्स। एंड सर ने इस विजयादशमी में टाइम निकाल के ये वीडियो शूट करने के लिए दिया है, तो थैंक्स लॉट टू यू वंस अगेन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो चलो अभी, बाय बाय।